टेलीकॉम कंपनियों के बीच डेटा वॉर जारी है। कंपनियां ज्यादा से ज्यादा डेटा देकर ग्राहकों को अपने पाले में करना चाहती हैं। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया अपने प्लान्स में अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ तय डेली और मंथली डेटा दे रही हैं। वही रिलायंस जियो अपने प्लान्स में डेटा के साथ दूसरे नेटवर्क पर कॉल करने के लिए नॉन जियो FUP मिनट और जियो टू जियो फ्री कॉलिंग का फायदा दे रही है। हालांकि वोडाफोन आइडिया ज्यादा डेटा वाले प्लान के रेस में एयरटेल और रिलायंस से थोड़ा पीछे है। वोडाफोन आइडिया के प्रीपेड रिचार्ज पोर्टफोलियो में ऐसा कोई प्लान नहीं है जो कि यूजर को डेली 3GB डेटा हो। ऐसे में वोडाफोन के उन यूजर को निराशा हो सकती है जो कि डेली 3GB डेटा का प्लान चाहते हैं। आपको बता दें कि वोडाफोन जिस तरीके से घाटे में चल रहा था, अब कहीं ना कहीं अपनी सर्विस में भी वो कटौती करता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको बता दें, जहां दूसरे नेटवर्क फायदा देते हैं, वही कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया पीछे चल रहे हैं। वोडाफोन आइडिया के पास अभी 3G डेटा वाली कोई सर्विस नहीं है और अभी वो पीछे चल रही है। आपको बता दें, वोडाफोन आइडिया के प्रीपेड रिचार्ज पोर्टफोलियो में फिलहाल हर दिन 3GB डेटा देने वाला कोई प्लान ही नहीं है। पहले कंपनी को 399 रुपए वाले प्लान में डेली 3GB डेटा मिलता था, लेकिन अब इस प्लान में केवल 1.5GB डेटा दिया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लगातार वोडाफोन आइडिया घाटे में चल रहा है और उसको अगले साल तक का टाइम दिया गया है, और ऐसे में क्या वो अपनी भुगतान को पूरा कर पाएगा जो उसको सरकार ने चुकाने के लिए कहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं उसके ऑफरों में भी धीमी रफ्तार देखी जा रही है, नेटवर्क में धीमा रफ्तार देखा जा रहा है। तो ऐसे कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वोडाफोन का अस्तित्व धीरे धीरे भारत से खत्म होने लगा है। क्या ये सच है क्या नहीं, इसके बारे में अभी कोई पुख्ता सबूत या जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये कयास लगा के जरूर कहा जा रहा है कि वोडाफोन अभी सभी नेटवर्क से पीछे चल रहा है। नेक्स्ट 9 टेक से नाज़मीन की रिपोर्ट।